नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। दीपावली एक सबसे बड़ा त्योहार है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सहकार भारती समाज ने सहकारिता की भावना से मिठाई बनाई। बता दें कि सहकार भारती अब तक 5,000 किलो मिठाई बना रहा था। डिमांड और सहकारिता में विश्वास बढ़ने से इस बार 8,500 किलो मिठाई और नमकीन तैयार की जा रही है। नगर सहकार भारती के अध्यक्ष छीतरमल लड्ढा ने बताया कि सहकार भारती की ओर से भीलवाड़ा के बाशिंदों को दीपावली पर कम रेट में शुद्ध मिठाई उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि ये मिठाई बाजार भाव से 150 से 200 रुपए कम में दी जाती है। लड्ढा ने बताया कि इसमें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी निःशुल्क भाव से काम करते हैं। इससे जो बचत होती है वो गो सेवा और स्कूल में जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार 8,500 किलो मिठाई और 1,500 किलो के करीब नमकीन बनाई गई। लड्ढा ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मिठाई तैयार करने के बाद 85 केंद्रों से यह मिठाई वितरित की जाती है। इन वितरण केंद्रों में गुलाबपुरा, शाहपुरा, बिगोत है। इनके अलावा 75 केंद्र भीलवाड़ा के हैं। वितरण केंद्र संचालक यहाँ से मिठाई ले जाकर वितरण करते हैं। उनसे परिवहन शुल्क 10 रुपए लिया जाता है। वही राम नरेश विजयवर्गीय ने बताया कि सहकार भारती का यह प्रयास पिछले 22 साल से जारी है। प्रत्येक त्योहार पर यह मिठाई बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक सहकार भारती के मात्र 15 केंद्र थे, जो अब बढ़कर 85 हो चुके हैं। उन्होंने लोकवाणी को बताया कि सहकार भारती के इस प्रयास से समाज को शुद्ध मिठाई कम रेट में तो मिलती ही है, साथ ही 200 लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। उन्होंने बताया कि अभी 25 हलवाई मिठाई बना रहे हैं, वहीं 15 कर्मचारी पैकिंग कार्य में लगे हैं। मिठाई की बुकिंग करीब 1.5 माह पहले शुरू कर दी गई थी। इस कार्य में सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान अग्रवाल, जिला अध्यक्ष किशन बंसल, सहकार भारती के नगर महामंत्री दुर्गालाल सोनी, जिला संगठन प्रमुख सुभाष चरण, नगर संगठन प्रमुख नाम राम नरेश विजयवर्गीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत सोमानी, प्रदेश सीए प्रकोष्ठ प्रमुख सुनील सोमानी सहित सहकार भारती के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस कार्य में जुटे हुए हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। त्योहारों के अवसर पर उपभोक्ताओं को सही वस्तु सही दाम पर और शुद्धता के साथ मिले, इसी प्रकल्प के साथ सहकार भारती ने मिठाई बनाने का एक प्रकल्प हाथ में लिया था, जो कि अब एक पूरे वटवृक्ष के रूप में हो चुका है। और अगर बात करें तो भीलवाड़ा से ही पूरे देश के अंदर सहकार भारती की मिठाई बनाओ प्रकल्प शुरू हुआ था, जो कि आज करीब 10,000 किलो पर पहुंच चुका है। और आज हम आए हैं संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि सहकार भारती के द्वारा यहां पर विगत सप्ताह भर से यहां पर विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयां हैं बनाने का यहां पर कार्य किया जा रहा है। और यहां पर किफ़ायती दर पर शुद्धता और स्वाद की पूरी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हम सहकार भारती से जुड़े हुए इनसे जानते हैं कि सर किस किस प्रक्रिया मिठाई बनाई जाती है, पूरा प्रकल्प किस प्रकार यहाँ कार्य कर रहा है। मतलब ये पिछले 25 तारीख से हमारे यहाँ भट्टी मुहूर्त होता है। ये भी बहुत परंपरागत रूप से हम तरीके से करते हैं। भट्टी मुहूर्त में सभी वितरण केंद्र हलवाई आता है और ढंग से भट्टी की पूजा करके फिर निर्माण कार्य का आरम्भ किया जाता है। शुरू में जैसे गोंद पाक का बनाया जाता है, तो गोंद पाक के लिए उड़द का जो आटा होता है उसको सेककर 2 दिन तक तो वो काम ही होता है। आप देखिए जब यहाँ सिकाई शुरू होती है, क्योंकि तो ये छोटा प्रकल्प नहीं रहा है। आज हम 10,000 किलो तक की मिठाई जब समाज को दे रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में आप देखो तो जब सिकाई की शुद्धता की महक चारों तरफ आने शुरू हो जाती है उन दिनों में, तो सबसे पहले यहाँ मिठाई जो भी सिकने का काम होता है पिछले 2 दिन तक शुरू के वो काम होता है। तो 2 दिन में जैसे शुरू में ये सीख गया गोंद पाक के लिए उड़द का, और फिर उसके बाद बेसन की चक्की का बेसन सीखना आरंभ हो जाता है। इस तरह के एक ऐसी रचना है कि किस तरह से एक साथ 10,000 किलो मिठाई फ्रेश एकदम ताज़ा एक समय पे तैयार हो, ये एक बहुत ही बड़ा जटिल प्रक्रिया से को हमने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि वो 10,000 किलो मिठाई ताज़ा एकदम कैसे तैयार हो सकती है। इसके लिए शुरू में उनके कच्चा माल हमने सेक के रख दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे वितरण आरंभ होता है, जैसे 7 दिन का हम रखते हैं लगभग शुद्धता और स्वाद एक बड़ी चीज़ होती है मिठाइयों के अंदर, उसका किस प्रकार आप मेंटेन करते हैं शुद्धता और स्वाद के लिए? तो शुद्धता के लिए हमारे वो स्पार्की हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, हमारे छीतरमल जी भाई साहब हैं और इनके साथ पूरी लगे हुए हैं दुर्गालाल जी भाई साहब, तो ये ऐसी नज़रों से सारा सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं। काजू हुआ, हमारे जैसे गोंद हुआ, अब गोंद हम देसी गोंद लेके आते हैं बहुत स्तर पर, इसकी नाइजीरियन गोंद नहीं होता है, तो देसी गोंद का एक अलग स्वाद होता है। और आटा, अब जैसे आप गोंद पाक में हम दाल से पिसा के आटा का उपयोग में ले रहे हैं, अब जैसे बेसन की चक्की का आटा है तो वो आटा इस तरह का है कि नमकीन में अलग उपयोग में आता है और बेसन की चक्की में अलग। तो ये जो इनकी जो एक्सपर्टीज, जिसको कहो हर चीज़ की एक्सपर्टीज के साथ
अब जैसे हमारा आप देखिए गोंद पाक में खोपरे का बुरा नहीं डाला जाता है, हम खोपरे के गोले लाते हैं अच्छे क्वालिटी के, फिर उनको पिसा के, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बारीकियाँ जो हमको करते करते अनुभव से आई है, तो हम उसको सबको ध्यान में रखते हुए, फिर हमारे जो हलवाई हमारे साथ जो जुड़े हुए हलवाई उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आज वो जिस भावना से बना रहे हैं उस भावना का स्वाद उनका उनका जो हलवाई का जो काम है वो तो आता ही है, लेकिन भावना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि खाने में भाव जब तक नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा, और सबसे बड़ा भाव होता है सरकार भारती की द्वारा जो राष्ट्र का भाव है, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र सेवा का भाव है, वो भाव जब इसमें खुलता है हलवाई के हाथों से और सारे कार्यकर्ताओं से, वो जो स्वाद होता है समाज को, वो स्वाद के पीछे है, वो स्वाद से ही ये सरकार भारती निरंतर बढ़ रही है। यहाँ पर मिठाई बनाना एक अलग चीज़, लेकिन वितरण केंद्र पर जाकर फिर पूरा जो कैसे वितरण होता है, जैसे 10,000 किलो जैसा आप मिठाई बता रहे, वितरण किस किस प्रकार किया जाता है इसका? एक 80 केंद्र जो हमने बनाए ना, वो केंद्र बुक करा देते हैं अपने अपने घरों से मिठाई एडवांस बुकिंग में, लोगों से पैसा लेके एडवांस बुकिंग में करा देते हैं, फिर हम उनको एक तारीख दे देते हैं इस डेट को आपको वितरण किया जाएगा, तो सारे लोग उस डेट को अब लेने आ जाते हैं, एक तारीख फिक्स कर देते हैं, उसको सारे वितरण केंद्र वाले अपने अपने केंद्र की मिठाई लेके चले जाते हैं, जिनका उनको परिवहन शुल्क देते हैं। कितने सालों से सहकार भारती इस प्रकल्प को हाथ में लेकर कब से ये कार्य कर रही है? ये 22 साल से सहकार भारती ये प्रकल्प कार्य कर रही, पहले भगवती लाल जी भेड़िया थे, उसके बाद 2009 से मैं चित्रमल लड्डा अध्यक्ष हूँ, आज निरंतर चल रहा हूँ, और ये सभी की पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से ये मिठाई बनाई जा रही है और वितरण की जा रही है। परिवहन शुल्क देते हैं वो, लेकिन पहले पैसा लाते हैं लोगों से, एक एक इकट्ठा करके फिर वितरण करते हैं एक एक को। बिल्कुल, तो त्योहारी सीजन के ऊपर शुद्ध सस्ते और स्वाद मिठाई मिले, इसके लिए सहकार भारती पूरी तरह कृत संकल्प होकर ये कार्य कर रही है, और जहां अगर बात करें तो करीब 1.5 महीने से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जो सहकार भारती से जुड़े हुए हैं निस्वार्थ भाव से इस कार्य को अंजाम देने के लिए जुड़े रहते हैं, और हम देख सकते हैं कि पूरी जो हलवाइयों की टीम के साथ ही यहाँ पर सहकार भारती परिवार है पूरी तरह से यहाँ पर रात दिन मेहनत करके यहाँ पर जो त्यौहार होता है इसके पर शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई मिले, इसके लिए यहाँ पूरी तरह से यहाँ जुड़े रहते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो जहाँ शुरुआत भिलोड़ा से हुई और करीब आज 10,000 किलो तक ये जो वितरण मिठाई का है ये पहुँच चुका है, साथ ही एक सहकार भारत सहकारिता के साथ ही जिस प्रकार यहाँ सेंट्रल बिंदु केंद्र जहाँ कंट्रोल यहाँ बनाया हुआ, इससे साथ ही तहसील मुख्यालय तक घर घर में मिठाई पहुँचे, इसके लिए सहकार भारती लगातार कार्य कर रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद के लिए। सनातन धर्म के मुख्य पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में हरि सेवा धर्मशाला, हरि सेवा उदासीन आश्रम, सनातन मंदिर भीलवाड़ा एवं सनशाइन ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में स्वरत मंत्र में आवश्यक जन को मिठाई, बिस्किट पैकेट, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, दीपक तेल, माचिस, बर्तन इत्यादि सामग्री वितरित की गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के आशीर्वाद से संत मायाराम ब्रह्मचारी बालक इंद्रदेव सिद्धार्थ कुणाल ने सामग्री वितरित की। संत मायाराम ने खुशमय मंगलमय दीपोत्सव पर्व की कामना की तथा कोरोना के कम होते प्रभाव पर आवश्यक सावधानी रखते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ पर्व मनाए जाने को कहा। इस अवसर पर दादा चोइतराम कोडवानी, हीरालाल गुंडानी, पुरुषोत्तम परियानी, मनोहर सतवानी, अशोक हरजानी आदि उपस्थित रहे। हरिओम, आज हम यहाँ दीपावली उत्सव और धनतेरस के उपलक्ष्य में यहाँ जो आवश्यक जन है उन सभी के समाज वाले, जैसे सिंधी समाज है और अदर समाज है, सभी समाजों को हरि सेवा धाम, उदासीन आश्रम, सनातन मंदिर एवं सनशाइन ट्रस्ट बम्बई के द्वारा उन सबको आज मिठाई वितरण किया और स्टील के बर्तन डिब्बा वितरण किया और दीपक दिए, तेल दिया, अगरबत्ती दी है, माचिस दिया है, बिस्कुट दिया है, प्रसाद दिया है सभी को। सभी को यही अनुग्रह किया है कि आप लोग दीपावली मनाएं, खुशी से अपना सुखीमय व मंगलमय जीवन करें। हमारे सदगुरु बाबा शिवाराम साहेब जी बोलते थे सिंधी में, ॾियारीअ जो ॾीओ बरियो, नंढो वॾो चिबड़ मिठो। ये जो त्यौहार है ये हमारे जो जिनसे हमारा भेदभाव है, जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनसे हम नफरत करते हैं, ये त्यौहार वो है उन सब से भी हम प्रेम भाव से रहें और उनको मिलजुल के हम ये त्यौहार मनाएं तो हमारा भी जीवन सुखीमय हो। भीलवाड़ा आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर कैलाश काबरा, जो हाल ही में आईएमए ओलंपिक्स स्पोर्ट्स व गेम नासिक से लौटे हैं,
जो कि 27 से 31 अक्टूबर में संपादित हुए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कमेटी आईएमएस सेंट्रल ब्रांच ने ऑल इंडिया डॉक्टर्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने का जिम्मा नासिक महाराष्ट्र आईएमए ब्रांच को दिया गया, जहां बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पुरुष व महिला ग्रुप एथलीट प्रतियोगिताएं, स्विमिंग, कैरम, चेस, साथ ही 10 व 20 किलोमीटर मैराथन, 50 किलोमीटर साइक्लोथॉन, 10 व 5 किलोमीटर वॉकेथॉन प्रतियोगिताएं रखी गई। पुरुष महिला डॉक्टर्स ने भाग लिया। उम्र के आधार पर 3 ग्रुप बनाए गए। कुल भाग लेने वाले डॉक्टर्स की संख्या 1000 से ज्यादा रही। 30 अक्टूबर नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल व सेक्रेटरी डॉक्टर लेले ने सभी स्वर्ण व रजत प्राप्त खिलाड़ियों को मेडल्स दिए। वे एड्रेस किया जा रहा है कि लगभग 2500 चिकित्सक सम्मिलित हुए। भीलवाड़ा के डॉक्टर कैलाश काबरा व डॉक्टर आर एस सोमानी ने एक कड़े मुकाबले में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया। डॉक्टर फरियाद ने कांस्य पदक वॉकथन में लिया। वहीं डॉक्टर सोमानी ने मैराथन 60 वर्ष आयु में 4th स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर काबरा ने 50 किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी की। टीटी में भी क्वार्टर फाइनल तक आए। डॉक्टर सोमानी सिंगल्स बैडमिंटन में 3rd स्थान ले पाए। सचिव डॉक्टर हरीश मारू ने बताया कि सभी भीलवाड़ा से गए खिलाड़ी कोई ना कोई पदक लेकर ही लौटे हैं। डॉक्टर के भंडारी, डॉक्टर जी के मिश्रा, डॉक्टर एम पी अग्रवाल, डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, डॉक्टर गौड़ व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने सफलता पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। वे भीलवाड़ा के सभी आईएमए डॉक्टर्स ने इस शानदार जीत पर सभी खिलाड़ियों को बधाई संदेश भेजे हैं। मैं भीलवाड़ा से डॉक्टर कैलाश काबरा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईएमए ने एक ओलंपिक गेम रखे, जो ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन है हमारी, तो सभी स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में, गेम्स में। 27 से 31 तारीख तक महानगर नासिक में ये प्रतियोगिता रखी गई एवं नासिक लोकल आईएमए ब्रांच को ये जिम्मा दिया गया कि वो इन स्पोर्ट्स के गेमों का सफलता से कंडक्शन कराए। ये आयोजन बहुत सफल रहा। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया, जो देश के सभी कोनों से डॉक्टर आए। इसमें हमारे साइक्लोथॉन, वॉकेथॉन और मैराथन की कंपटीशन रखी गई। साइक्लोथॉन में डॉक्टर कैलाश काबरा ने 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक बार उस प्रतियोगिता को पूरा किया। इसी तरह मैराथन में डॉक्टर आर एस सोमानी, जिन्होंने 4th स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर फरियाद ने वॉकेथॉन में 3rd स्थान प्राप्त किया रजत पदक। एवं ये जो कैटेगरी इसमें रखी गई, 60 साल से ऊपर के लोग एवं 35 से 50 का ग्रुप और 35 से 50 का ग्रुप एवं 35 से नीचे वाले लोग, इस तरह से तीन तरह से लोगों को डिवाइड किया गया और उम्र के साथ ही गेम्स का उसमें निर्णय लिया गया। तो हमारे भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, आई एम ए प्रेसिडेंट भीलवाड़ा ब्रांच। स्थानीय आर के कॉलोनी स्थित गणेशम प्लाजा स्थित ब्रांड स्टूडियो पर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए 80% छूट दी जा रही है और इसी के साथ ही ₹350 में लेडीज कार्डिगन, मेंस जैकेट, लॉन्ग कोट, स्वेटर, शॉर्ट उपलब्ध हैं। संचालक ने बताया कि साथ ही शोरूम पर मेंस लेडीज किड्स वियर के परिधानों व फुटवियर की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। सभी ब्रांडेड शर्ट, फुटवियर, हैंडबैग्स, वॉलेट, बेल्ट, सनग्लासेस, छत के नीचे कई बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध हैं और साथ ही ह्यूमन्स वेयर, फुटवेयर, मेंस वेयर, फुटवेयर, किड्स फुटवेयर अच्छी रेंज में उपलब्ध है। शोरूम पर सैनिटाइज्ड का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। ये ब्रांड स्टूडियो अपना आरके कॉलोनी में जो स्थित है, यहाँ पे आप हर वैरायटी देख सकते हो। लेडीज़ की नई कुर्तियों की जो हमने रेंज लगाई है, टॉप्स हैं 250 में टॉप्स, ब्रांडेड टॉप्स, एंड 350 में हमने वन पीस और ड्रेस का है। जीन्स है, विंटर कलेक्शन, अभी हमने पूरा विंटर कलेक्शन से नया जो आया है, पूरा एकदम ट्रेंडी विंटर कलेक्शन है। और दूसरा हमारे ये शूज़ की जो रेंज है, शायद ही कहीं आपको इस कॉस्ट पे, इस प्राइस पे जो मिलेगी, जो मैं ब्रांड स्टूडियो अवेलेबल कराता है। सीजन है, दीपावली है, इस पर अलग से क्या कर रहे हैं आप? दिवाली सीजन पे हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट विथ मतलब मिनिमम मार्जिन के साथ हमने अभी निकाला है। काफ़ी अच्छी रेंज है, आप लोग आके विंटर कलेक्शन में भी देखिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है। एंड आई होप आप लोगों को, तो मुझे तो खैर हम जो भी आता है फीडबैक बहुत अच्छा देके जाता है विंटर कलेक्शन का, होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप तो मैं सुनीता चौधरी, यहाँ पे मैं ब्रांड स्टूडियो आर के कॉलोनी में आई हुई हूँ और यहाँ एक ही छत के नीचे आपको इतना अच्छा कलेक्शन मिलेगा कि आप एक बार विजिट यदि करते हैं तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ से काफ़ी कुछ खरीद सकती हूँ। कुर्तियों में बहुत अच्छा कलेक्शन है, विंटर वियर में भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली फुटवियर के लिए तो आप यहाँ आ ही सकते हैं। इसके अलावा जीन्स, मैंने खुद ने यहाँ से जीन्स और टी शर्ट्स परचेस की है।
जवाहर फाउंडेशन के द्वारा संस्थापक अध्यक्ष रीजू चुनचुनवाला के सहयोग से गरीब व असहाय लोगों के लिए स्वाभिमान भोज के तहत 1 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वाभिमान भोज की 3 इकाइयां बांसवाड़ा, भीलवाड़ा व अजमेर में खुल चुकी है, जहां हर दिन 500 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। भीलवाड़ा इकाई पर अब तक 20,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। जल्द ही इसकी 4थी इकाई भी खोली जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भूखा ना रहे और सबको भोजन मिले। ये 1 रुपए की थाली जो दे रहे हैं आप? जी हाँ। कितने लोग रोज खाते हैं और क्या क्या मेनू देते हैं? 100 से ऊपर आदमी खाना खाते हैं और मेनू के अनुसार है कि डेली है कि खाना और सब्जी चेंज रहती है। संडे को खाली खीर मिलती है। अच्छा। जवाहर फाउंडेशन के द्वारा हमारे संस्थापक अध्यक्ष रीजू चुनचुनवाला की ये सामाजिक पहल 1 रुपए में भोजन गरीब जरूरतमंद असहाय निर्धन लोगों को देने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की है अपने एलएनजे ग्रुप की स्वस्थ परंपरा को बढ़ाते हुए अभी हमारे 3 इकाई खुल चुके हैं, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर। प्रतिदिन 500 लोगों को जरूरतमंद लोगों को हम भरपेट भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। स्वाभिमान भोज का मुख्य उद्देश्य है जिन लोगों को भूखे रह जाएँ और उनको किसी कारणवश भोजन ना प्राप्त हो सके वो स्वाभिमान के साथ आकर 1 रुपये देकर यहाँ भोजन कर सकते हैं। और साथ में इस पहल के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि किस प्रकार हम गहलोत सरकार को, गहलोत जी को हम अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। कोई भूखा ना सोए अभियान भी उनका चल रहा है। कोविड के अंदर भी हमने देखा कि किस प्रकार से भोजन के लिए मारामारी हुई और लोगों को। प्रतापनगर स्कूल परिसर में रविवार सुबह योग प्रशिक्षकों व अपना संस्थान के सहयोग से सघन वन लगाया गया। मियावा की तकनीक से लगाए जंगल में 300 से अधिक तरह के पौधे लगाए गए। योग प्रचार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई योगा टीचर ने संस्थान के सहयोग से 700 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। पौधे लगाने वालों में विनोद मेलाना, मनीष सेठी, निरंजन शर्मा, राकेश तिवारी, शिव मोलाना, लोकेश अजमेरा, संदीप गुप्ता, दिलसुख भेसा, गोविंद सोडानी शामिल थे। शुरुआत योग प्रशिक्षिका गौरांगी मेलाना के ध्यान प्रशिक्षण से शुरू हुई। सघन वन मियावा की जंगल की पद्धति से लगाया गया। यह लगभग 75वां सघन वन भीलवाड़ा शहर का है। इसमें 51 प्रजाति के 745 पौधे लगाए गए हैं। माई योगा टीचर एक संस्था है, उसके माध्यम से लगे हैं और इसमें अमेरिका के लोगों का भी सहयोग है। पूरे भारत के इस संस्था में निभय अध्यापक हैं, योगा टीचर हैं, वो ऑनलाइन क्लासें लेते हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर इनका काम है। उनके सहयोग से अलग अलग ये पौधारोपण सारा किया गया। अपना संस्थान ने पौधारोपण किया है। ये आपके सामने है सघन वन। इसी परिसर में प्रताप नगर स्कूल हायर सेकेंडरी भीलवाड़ा का जो है, इसमें हमने पहला सघन वन 2 वर्ष पहले लगाया था। आपको अगर मैं इशारा कर रहा हूँ वो कोने वाला, जो लगभग 25 फीट के पौधे हो गए हैं। इसमें 485 पौधे उसमें लगाए थे 2 वर्ष पहले। और वो जो मेरी उंगली आगे में इशारा कर रहा हूँ, ये 1100 पौधे उस कोने तक लगाए गए। ये 2019 के हैं। अभी 2021 के अंदर हमने जो पौधे लगाए, ये जो केवल खंभे दिख रहे हैं इसके अंदर अभी यहाँ से इतनी दूरी से पौधे नहीं दिख रहे हैं, 519 पौधे वहाँ लगाए हैं। और ये कुल मिलाकर के 2900 पौधे इस परिसर में अपना संस्थान ने लगाए हैं। सघन वन तकनीक बहुत अच्छी तकनीक है। ऑक्सीजन जोन खड़ा होता है, नीचे का वाटर लेवल ऊपर आता है, वाटर प्योरीफाई होता है। पक्षी, तितली, भंवरे, भ्रमण, केचुए, नेवले, खरगोश ये सहज भ्रमण करने लगते हैं। और ये इंसानों को छोड़ करके बाकी जीव जगत के लिए यह है, चराचर जगत के लिए है, बहुत सफल पद्धति है। आप सभी से अनुरोध, कृपया सघन वन में सहयोग करें, अपने एरिया में आप लगावें। धन्यवाद। विनोद मेलाना, सचिव, अपना संस्थान राजस्थान। स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा द्वारा आयोजित गरीब एवं असहाय बच्चों की सार्थक 7 दिवसीय कला प्रदर्शनी का समापन 31 अक्टूबर को रस्थारा के मिनी ऑडिटोरियम में एक शास्त्रीय सांस्कृतिक संध्या के साथ संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए संस्था के सचिव कैलाश वालिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलएनजे ग्रुप के ओएसडी रजनीश वर्मा, लक्ष्मी नारायण दास, नीतू ओस्तवाल, विद्या शंकर केन्द्रिया, कवि राजेंद्र गोपाल व्यास, कर्नल तेजेंद्र शर्मा, गोपालाचार्य के सानिध्य में रमा कथक संस्थान द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में एक से बढ़कर एक शास्त्रीय उपशास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय उपशास्त्रीय नृत्य में कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही नन्ही 3 से 5 वर्ष की बालिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।
उसके बाद बाल कलाकारों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बाल कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। सूफी कथक पर आधारित नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सारे नृत्य में भारतीय वेशभूषा देखने को बनती थी। इस सांस्कृतिक संध्या में सभी शास्त्रीय उपशास्त्रीय नृत्यों की कोरियोग्राफी मनस्वी पचीसिया और कार्यक्रम का संचालन अभिलाषा व्यास एवं ब्रह्मा पचीसिया ने किया। कैलाश पालिया ने बताया कि लिटिल पिकासो बाल कला प्रदर्शनी में जितने भी आए होंगी उसको दीपावली के शुभ अवसर पर गरीब एवं असहाय बच्चों को सहायतार्थ दिया जाएगा। साथ ही कई औद्योगिक घरानों के सदस्यों ने इस कला प्रदर्शनी के समापन पर आर्थिक सहयोग देकर बाल कलाकारों को संबल प्रदान किया। आगे संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि दर्शकों का रुझान देखते हुए यह कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों के अवलोकनार्थ 10 अक्टूबर तक वकील कॉलोनी स्थित आकृति आर्ट गैलरी में प्रातः 10 से 8:30 बजे तक खुली रहेगी। आपके साथ सिर्फ एक स्पॉन्सर के रूप में जुड़ सकती है, सबके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से आप दिल से उस चीज़ से लगाव रखते हैं और उस चीज़ की कंटिन्यूटी को रखते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम होता है, एक साल होता है, दो साल होता है, 3 साल होता है, लोग थक जाते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वी दिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फोरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड बैग्स, फुल लेग बैग्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट हैंड एंड फुल लेग बैग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार कर हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वी दिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी, नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट, रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिषद, फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा, श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर। 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। दीपावली व अन्य त्योहारों तथा शादी विवाह समारोह में वर्क लगी मिठाई खाकर बीमारियों को न्योता न दें। वर्क लगी कोई भी सामग्री को खाकर मांसाहारी बनने के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि मिठाई पर लगाया जाने वाला वर्क जानवरों की ताजा खाल के बीच चांदी व एल्यूमिनियम रखकर पीट पीट कर बनाया जाता है। यह वर्क पूर्ण रूप से मांसाहारी है। चाचू ने आके बताया कि बाजार में उपलब्ध वर्क जहरीले होने के साथ साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां देने वाला भी होता है। वर्क में सीसा, क्रोशियम, निकल तथा कैडमियम जैसी धातुएं मिलती है। जब ऐसी धातुएं शरीर के खाद्य पदार्थ के रूप में जाएंगी तो निश्चित ही कैंसर का कारण बनेंगी। डीपीएस स्कूल में सोमवार को दीपावली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा भगवान राम, सीता, हनुमान की वेशभूषा धारण करके रावण का वध करके राम के अयोध्या पहुंचने का मनमोहक चित्रण किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के रूप में स्वयं प्रभु राम और हनुमान आए हों। स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को यह बताना था कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। छात्रों को यह भी बताया गया कि हमें भी प्रभु राम की तरह अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए तथा सभी का आदर और सम्मान करना चाहिए। दीपावली पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन आतिशबाजी के लिए सभी बच्चों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम डीपीएस स्कूल की पालड़ी और आरसी व्यास दोनों शाखाओं में हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। ड्यूटी के दौरान खूंखार अपराधी तस्कर राजू फौजी व उसकी गैंग के साथ ही चल रही वह मुठभेड़ में तस्करों का पीछा करते हुए शहीद हुए बहादुर पुलिसकर्मी इशाक मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिलाने एवं इशाक मोहम्मद के परिवार को राज्य सरकार द्वारा शहीदों को दिए जाने वाले समस्त लाभ उपलब्ध कराए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 26 अक्टूबर की रात्रि को पुलिसकर्मी इशाक मोहम्मद जो कि पुलिस थाना रायला में कार्यरत होकर ड्यूटी के दौरान खूंखार अपराधी तस्कर राजू फौजी व उसकी गैंग के साथ चल रही मुठभेड़ में पीछा करते हुए शहीद हो गए। शहीद बहादुर पुलिसकर्मी के पीछे परिवार में विधवा माता, पत्नी व दो मासूम बच्चे हैं जिनकी आजीविका शहीद बहादुर पुलिसकर्मी पर निर्भर थी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी इशाक मोहम्मद के परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा दयामूलक अनुदान 50 लाख एवं विधिवत रूप से शहीद इशाक मोहम्मद के बच्चों को सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा देने के साथ ही पीएसपी अकाउंट सहित समस्त लाभ व परिलाभ दिलाए जाएं। इशाक भाई तस्करों का पीछा करते हुए 26/10 को जिनकी डेथ हो गई उनको शहीद का दर्जा मिले, इसको लेकर के आज हम यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो पुलिसकर्मी जनता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, अपने प्राणों तक का बलिदान दे देता है, ऐसे पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। और जो लाभ परिलाभ
शहीद के परिवारों को मिलते हैं वो पुलिसकर्मी के परिवार को भी मिले। इसहाक भाई के यहाँ हम जाकर के आए हैं, उनके परिजन बहुत ही गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा पत्नी हैं, ऐसे परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए, मानसिक मदद भी मिलनी चाहिए। हनुमानगर थाना क्षेत्र के खोहरा खुर्द गांव में रविवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों के 8 जने मारपीट में घायल हो गए। एक जने की गंभीर स्थिति के चलते अन्यत्र रेफर किया गया। हनुमानगर थाने के हेड कांस्टेबल उस्मान ने बताया कि जय किशन पुत्र भूरा मीणा निवासी खेरा खुर्द ने रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि मेरे खेत के समीप घात लगाकर बैठे फोरूलाल पुत्र धर्मराज, धर्मराज पुत्र छीतरलाल, कुंदन सिंह पुत्र तुलसाराम, हेमराज पुत्र कुंदन सिंह, ग्यारसीलाल पुत्र कंवरीलाल, खुशराज पुत्र कुंदन सिंह, बालू पुत्र बरदाराम, प्रेमशंकर पुत्र बरदाराम व घनश्याम पुत्र कंवरीलाल ने मेरे खेत में घुसकर मेरे पुत्र रतन सिंह पर लाठियों व हथियारों से हमला कर दिया, जिससे मेरा पुत्र खेत में ही चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। मेरे पुत्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे दूसरे पुत्र मदन सिंह व ईश्वर सिंह भी गए, जिन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे दोनों पुत्र भी बेहोश हो गए। चीख पुकार सुनकर गांव के व्यक्ति ने जाकर बड़ी मुश्किल से इनको छुड़वाया। सभी घायलों को जाजपुर की एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय देवली में भर्ती कराया गया। घायलों में से रतन सिंह की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने अन्यत्र रेफर किया। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के धर्मराज पिता कुंदनलाल मीणा ने रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि हमारे घर में घुसकर जयकिशन पुत्र भूराराम, ईश्वर पुत्र जयकिशन, मदन सिंह पुत्र जयकिशन व रतन सिंह पुत्र जयकिशन ने हमला कर दिया, जिसे खुशराज, हेमराज, कुंदन सिंह व फोरूलाल घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल करवाकर दोनों पक्षों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।